कर कोरोना की वर्तमान स्थिति, वेब सीरीज जकाश पर हमला मामले में बजरंग दल को गुंडा बताने का दिग्विजय सिंह का ट्वीट, हिंदू धर्म पर आधारित जाबर के विज्ञापन, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सचिन बिरला पर मची एक घमासान और फिल्मों की शूटिंग से पहले दर्शाए जाने वाले दृश्यों की शासन से अनुमति लेने को आवश्यक बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। नए वेरिएंट की आप चर्चा कर रहे हैं, न्यू म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं, एमसीबीसी जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहां भी आ चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया है कि इससे हमारी वैक्सीन प्रभावित होती है अथवा ये म्यूटेंट वेरिएंट उससे ज्यादा घातक है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने जबलपुर में जिन लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ आगजनी की, उस पर बोले वो? उस पर कोई ट्वीट किया था? नहीं। इसी महीने की बात कर रहा हूं, धार में हुआ पिछले हफ्ते, एक शब्द बोला? नहीं। बड़वानी में हुआ, एक शब्द बोला? नहीं। उन्हें काजी साहब जिंदाबाद नजर आता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह की मानसिकता को पूरा देश समझ गया है। आप स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्त उन्हें गुंडे ही नजर आएंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। बता तो दे, एक बार लिस्ट जारी कर दें कि ये टिकने वाले हैं और ये बिकने वाले हैं, फिर वो जितने टिकने वाले बताएंगे हम उनके बारे में फिर आपको बताएंगे। बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूं, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेसविन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है, और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा, अभी मैंने डीजीपी को लेसबिन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। और बैतूल के भीमपुर के दामजीपुरा सेक्टर में रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।